नमस्कार वानिश स्टेली बीट में आपका स्वागत है सर्दियों का मौसम और घर में चने का साग ना बने ऐसा हो सकता है क्या तो मैंने भी आज बनाया है चने का साग बहुत ही आसान तरीके से चने का साग स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी होता है तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है चने का साग दो ग्राम दो ग्राम बथुआ का साग लिया है और 250 ग्राम पालक का साग लिया है आप चाहें तो सरसों का साग भी ले सकते हैं इसी मात्रा में पर मैंने सरसों का साग नहीं लिया है तो साग को अच्छे से धुल लेना है फिर इसे बारीक काट कर कुकर में डाल देना है इसी तरीके से बथुए के साग को भी अच्छे से धुल कर बारीक काट लेना है फिर उसे भी कुकर में इसी साग के साथ डाल देना है और फिर इसी तरीके से पालक के साग को भी बारीक काट कर कुकर में डाल देना है पालक और बथुआ का साग ऑप्शनल है अगर आपको नहीं पसंद है तो मत डालिए पर ये डालने से साग बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनता है इसलिए लोग इसे डालते हैं तो अब इसमें एक चम्मच हींग डाल देना है और करीब एक चम्मच नमक डाल देना है इसे उबालने के लिए इसमें दो गिलास पानी डाल दें वैसे गांव में तो लोग इसे लोहे की कढ़ाई में उबालते हैं लोहे की कढ़ाई में आयरन तो मिलता है पर गैस और टाइम दोनों बहुत ज़्यादा खर्च होता है इसलिए मैं इसे कुकर में उबाल रही हूँ चने का साग बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इसलिए इसे धीमी आँच पर पाँच सीटी आने तक पकाएं तो ये देखिए पांच सीटी आ चुकी है तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसकी सीटी खुद से खुलने का इंतजार करते हैं दस से पंद्रह मिनट बाद चलिए ढक्कन को खोल के देखते हैं तो ये देखिए साग कितना अच्छे से गल गया है तो अब इस साग के पानी को जलाना है तो इसके लिए हमें एक कढ़ाई लेनी है लोहे की जिसमें ये सारे साग को पलट देना है ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से जल जाए तो पहले सारे साग को पलट कर इसे करीब 10 मिनट के लिए पकाना है ढककर और गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है तो 10 मिनट बाद इसे खोलकर देखते हैं तो ये देखिए पानी काफ़ी हद तक जल चुका है तो अभी हमें इसमें एक कप बाजरे का आटा डाल देना है बाजरे का आटा ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो आप गेहूं का आटा डाल सकते हैं बाजरे या गेहूं का आटा डालने से साग में बाइंडिंग आ जाती है साग जो अलग अलग है ये अच्छे से मिल जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है तो आटा डालने के बाद साग को तब तक चलाते रहना है जब तक कि आटा साग में अच्छे से मिल ना जाए अगर नहीं चलाएंगे तो ये आटा जगह जगह पे गाठ बन के आ जाएगा जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा इसलिए आटे को इसमें मिलाते हुए लगातार दस मिनट तक चलाते रहें ताकि आटा साग में अच्छे से मिल जाए तो ये देखिए लगातार चलाते हुए आटा साग में कितने अच्छे से मिल गया है तो अब हमें गैस को बंद करके इसे एक बर्तन में निकाल लेना है मैं यहाँ पर इसे एक भगोने में निकाल रही हूँ साग को अच्छे से निकालने के बाद मैं इसी कढ़ाई में छौका लगाऊंगी पर आप चाहें तो आप अपनी कढ़ाई को बदल सकते हैं तो यहाँ पर मेरा साग बन के तैयार हो गया है तो साग में छौका लगाने के लिए मैं सबसे पहले सरसों का तेल डाल रही हूँ इस कढ़ाई में तेल को अच्छे से गरम कर लेना है और इसमें आठ से दस हरी मिर्च डालनी है और 10 से 12 कलियाँ लहसुन की डालनी है लहसुन और हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं और तेल भी आप अपने हिसाब से कम डाल सकते हैं मैंने दो तो लाल मिर्च भी डाली है अगर आपको पसंद है तो डालिए नहीं तो कोई बात नहीं लहसुन और मिर्च को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हमें इसमें चने का साग डाल देना है चने के साग में जब तेल थोड़ा ज़्यादा रहता है ना तो खाने में बहुत अच्छा लगता है वैसे जिसे तेल पसंद नहीं है तो वो ना डाले तो अभी हमें इसे तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये साग सारा तेल सोख ना ले और गैस की आंच को धीमा रखना है नहीं तो साग फिर नीचे से जलने लगेगा तो इसे लगातार चलाते रहना है तो ये देखिए साग धीरे धीरे सारे तेल को सोखता जा रहा है और साग का कलर कितना प्यारा होता जा रहा है तो फाइनली हमारा डिलीशियस सा चने का साग बन के तैयार हो गया है इसे आप रोटी से खाइए या चावल से ये दोनों के साथ अच्छा लगता है पर चावल से ये खाने में बहुत अच्छा लगता है तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल बानिश डेलीबीट को सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच